एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 15 सितंबर से 30 सितंबर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है और डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज गाइड कीजिए एक्वेरियस कुंभ राशि वाले। देख रहे हैं क्या मैसेज है, क्या आ रहा है, इन 15 दिनों में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप एक्वेरियस को, राशि वालों को। ओके ओके, ये कार्ड आ रहा है चैरियट। ओके, ये दोनों कार्ड ना, सॉरी, ये कार्ड था मुझे दिखा और डेथ कार्ड दिखा था। यस, ब्यूटिफुल मैसेज माय डियर एक्वेरियस। बॉटम ऑफ द डेक है स्टार, स्ट्रेंथ, हायरोफेंट। यस 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 माय डियर एक्वेरियस, आप लोग ये जो 15 दिन रहने वाले हैं ना, एक महारथी की तरह, मतलब मैं कहूँगी जो भी स्ट्रगल्स आप फेस कर रहे हो, जो भी नेगेटिविटी को आप लोग इस वक्त में फेस कर रहे हो, उस पर विजय मिलती हुई मुझे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगेन यहाँ पर जजमेंट की एनर्जीज है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है चैरियट और जजमेंट के अकॉर्डिंगली, और ये जो डेथ कार्ड भी है, जितना भी कियोस, जितनी भी अशांति आपकी लाइफ में थी, ये जो मंथ जैसे जैसे बीत रहा है, ये जो 15 डेज जैसे जैसे बीतेंगे, उतना ही पीस ऑफ माइंड आपके अंदर आता जाएगा, उतने ही नेगेटिविटी को आप अपनी लाइफ से रिलीज करते जाओगे, उस पर विजय प्राप्त करते जाओगे। वैसे ही आपकी लाइफ में बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। ये जो व्यक्ति है ये रथ पर सवार है। ओके, दैट मींस कि आप मूवमेंट में हो। ओके, आप चल रहे हो। 7 नंबर का कार्ड है ये, और आपकी जो, जिसे कहते हैं कि डोर है, आपकी जो रथ की जो डोर है, जो जिसे हम कहेंगे कि ड्राइविंग सीट पर डिवाइन है इस मोमेंट में, और आप लोग बैक सीट पर हो। ये कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज है ना, ये मुझे कृष्णा की एनर्जीज दे रही है कि जैसे मे बी आप लोग कृष्णा लवर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं स्पेसिफिकली टैगिंग नहीं कर रही हूँ। जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, जिन में भी आप विश्वास रखते हैं, जो भी आप उनको नाम देते हैं, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, माय डियर, मतलब कहने का कि वो डिवाइन जो है ना, वो आपको उस केओस से बाहर लेकर जा रहे हैं, और आप चाहे वो आपके भीतर का कोई नेगेटिविटी है, आपके अंदर कोई बुराई है, या फिर किसी टॉक्सिक सिचुएशंस में आप लोग कनेक्टेड है, उन पर आप लोग बेसिकली उन्हें फेस करते हुए, उनको बीट करते हुए, उनको कुचलते हुए, आप जो है एक पीस ऑफ माइंड की तरफ जा रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है, बहुत ही पीस, बहुत ही प्यार, बहुत ही अबंडेंट एनर्जीज आपकी लाइफ में आती हुई, एंटर करती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यस, और ये चेंज, ये जो भी मैं पीस की बात कर रही हूँ, ये जो भी मैं एक शांति की बात कर रही हूँ, और ये जो भी प्रोग्रेस की मैं बेसिकली यहाँ पर बात कर रही हूँ, वो चेंजेस, वो बदलाव, वो ब्यूटीफुल, वो पॉजिटिव चेंजेस आपको इन 15 दिनों में दिखाई देंगे। अब उनका फॉर्म देखिए, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो कुछ के लिए
छोटे दायरे में वो चीज़ें हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए वो बड़े दायरे में वो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, बड़े लेवल पर बेसिकली, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए छोटे लेवल पर, लेकिन यस वो चेंजेस हो रहे हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई चीज़ आपकी लाइफ में बिल्कुल ख़त्म हो रही है, कोई एक नेगेटिव सिचुएशन, जो भी केओस आपकी लाइफ में था, जो भी एक युद्ध जैसी स्थिति थी आपकी लाइफ में, जिससे आप, मैं कहूँगी कि फाइट कर रहे थे, कोई भी सिचुएशन माय डियर, ठीक है, तो बेसिकली उससे आपको निजात मिलना, मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 15 डेज में आप वो उससे निजात पा रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप उस प्रोसेस में हो और विजय आपको मिलेगी, वो चैरियट की एनर्जीज आपको बता रही हैं। रथ का कार्ड है यहाँ पर, चैरियट, रथ, रथ माने कि वो मूवमेंट हो रहा है उस प्रोसेस की तरफ, उस विजय की तरफ आप बढ़ रहे हो, उसे क्लींस कर रहे हो, वो पीस ऑफ माइंड की तरफ अब आप आगे बढ़ रहे हो। अभी भी अगर आप देखेंगे ये जो सिचुएशन है, ये जो भी जहाँ पर ये घोड़े दौड़ रहे हैं, राइट, यहाँ पर ऐसे बादलों जैसे, जैसे मिट्टी उड़ रही है, राइट, और बहुत ही तेजी से ये भाग रहे हैं, तो अभी आप उस सिचुएशन में हो, मैं ये नहीं बोल रही कि उस सिचुएशन से निकल गए आप, ठीक है, तो हो, लेकिन यस आप पीस ऑफ माइंड की तरफ आगे बढ़ रहे हो, उस पर विजय प्राप्त करते हुए, उसे कुचलते हुए। ये कुछ ऐसी एनर्जीज भी है कि जिन चीज़ों से आप डर रहे थे उन्हें फेस कर रहे हो एक बहादुरी की तरह, बहुत करेज, बहुत स्ट्रेंथ में आपके अंदर आते हुए देख रही हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होते हुए इस मोमेंट में मैं देख रही हूँ। बाकी हम और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू भगवान, थैंक यू गुरु जी, प्लीज गाइड कीजिए, थैंक यू। एप्रिसिएशन, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है सन, और उसके नीचे भी कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यस, ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं लूंगी। देखिए मैजिशियन एंड द मिरर और विक्ट्री की भी एनर्जीज हैं, ये दोनों ही कार्ड मुझे बुला रहे हैं, और स्पेस की कमी की वजह से मैं इतने कार्ड्स नहीं ले पाऊंगी, आपको मैसेज दे करके मैं रख देती हूँ, ठीक है। आप गाइडेड हो, आपकी इंट्यूशन एक्वेरियस इस मोमेंट पे इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और डिवाइनली गाइडेड हो आप इस समय, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि ये वक्त जो है डिवाइन आपको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो जो भी हो रहा है ना, थोड़ी ऐसी भी एनर्जी से एक्वेरियस इस वक्त में कि गोइंग विद द फ्लो भी रहिएगा, ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, किसी चीज़ को अपने हाथों बदलने की कोशिश, बदलना तो नहीं मैं बोलूँगी, यस कोई चीज़ अगर रिलीज हो रही है ना आपकी लाइफ से, कुछ पीछे छूट रहा है इसमें, तो वो ट्रस्ट दिखाना है आपको अपने डिवाइन पर, अपने कहना पर, ठीक है, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो, और वो इंट्यूटिवली आपको पता चलेगा, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है ना, सबसे पहला मैसेज डिवाइन मुझे आपको बोलने के लिए यही कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट ज़रूर करना इन 15 दिनों में एक्वेरियस, क्योंकि वो इंट्यूशन के बेसिस पर, इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, बहुत सारी डाउनलोड्स आपको हो सकते हैं, या आपको ऐसा लग सकता है कि आपके ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक हो रहे हैं, कुछ मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हो, या बैठे बैठे अचानक से कुछ ऐसे थॉट्स आने, ये वो थॉट्स नहीं है, ये माइंड वाले थॉट्स की बात नहीं कर रही, इंट्यूशन, समझ रहे हैं आप, कि कुछ ऐसा आना आपके अंदर से, मैसेज कुछ आपको मिलना, वो इंट्यूटिवली आप ही जान सकते हो, जिसके बारे में आप सोच नहीं रहे हो, पर यूं क्लिक हो गया, यूं कुछ मैसेज आपके अंदर आ गए, यूं कुछ एक आइडिया या फिर कोई मैसेज आपको रिसीव हो गया, ऐसी ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है इस मोमेंट पे। बुक्स आपकी मदद कर सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है कि आप कुछ रीड कर रहे हैं, चाहे वो कोई रिलीजियस
या स्पिरिचुअल बुक है कोई, या फिर कोई भी कोई बुक आप रीड कर रहे हैं उसकी कोई एक लाइन या फिर कोई एक वर्ड या फिर कुछ ना कुछ वो आपको कनेक्ट कर गया, आपको ऐसा लगने लगा कि इसमें मेरे लिए मैसेज है, तो आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि इस वक्त में अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिएगा। ये जो भी सिचुएशंस इस वक्त में आपके साथ होंगी ना, ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, आप राइट समय पे राइट जगह पर होंगे, ठीक है, आपका टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होगा, आप जो भी डिवाइन से गाइडेंस को मांगोगे, जिस भी किसी सिचुएशन में स्टक होगे वो आपको फॉर श्योर गाइड करेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर फर्ज बनता है कि आप उनकी गाइडेंस को समझें, ठीक है, उनको रिसीव करें, क्योंकि रिसीविंग मोड में तो आपको रहना है। अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे, मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहीं की बात करती हूँ कि वीडियो से आपको, इस वीडियो के माध्यम से आपको वो मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन आप मना कर रहे हो कि नहीं ये मेरा मैसेज नहीं है, तो दैट मीन्स कि आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो। और इंट्यूशन किस तरीके से काम करती है, जब हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, ओके तो फियर्स जो भी आए, जो भी डाउट्स आए, उन्हें हटा करके आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। और यही कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में या आपके ऑरा में या आपकी मेंटेलिटी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। और विक्ट्री है आपके लिए, तो जो मैं पीस की बात कर रही थी, 10 नंबर का कार्ड है ये, 8+2=10, विक्ट्री। यहाँ पर भी देख रहे हैं ये मुझे, हालांकि ये बहुत गोल्डन, बहुत ही येल्लोइश, बहुत ही अबंडेंट कार्ड नज़र आ रहा है ना यहाँ पर, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि वो अबंडेंस, वो मटीरियलिस्टिक अबंडेंस तो ये अट्रैक्ट कर ही रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो पीस ऑफ माइंड, मुझे बहुत एक पीस की एनर्जीज मिल रही थी, ठीक है, वो पीस ऑफ माइंड मिलना, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि वो विक्ट्री आपको हासिल होने वाली है। हम अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हम मटेरियलिस्टिक तो बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, लेकिन मन में वो पीस नहीं रहता, मन में वो शांति नहीं रहती, वो संतुष्टि नहीं रहती है, तो वो एक संतुष्टि का भाव भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके अंदर आते हुए। और ये मुझे ऐसी एनर्जीज भी दे रहा है कि आपका जितना भी ये स्पिरिचुअल कनेक्शन जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, आप जितना अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड होगे उतनी ही विक्ट्री को आप अपनी लाइफ में हासिल करोगे। अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर एक्वेरियस अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाएं, अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, फॉलो योर इंट्यूशन। इस वक्त में जितना हो सके अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी यही बोल रहा है कि बैलेंस योर एनर्जीज, बैलेंस योर यिन एंड यैंग, बैलेंस योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज, बैलेंस योर मून एंड सन, ओके, जो आपका मन है, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपके थॉट्स हैं, वो आपकी रियलिटी को बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं, तो उन्हें बैलेंस करना। यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन है, बाहर ये सूखी डालियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ओके यस, ये सूखी डालियाँ जो दिखाई दे रही हैं ना, ये यही दिखाई दे रहा है कि जो भी एक लैक ऑफ मेंटेलिटी की चाहे हम बात कर ले, या फिर जो भी स्ट्रगल को आप इस समय फेस कर रहे हो, वो उस सिचुएशन को चेंज करने का आपके पास वो पावर है, पर किसकी मदद के थ्रू, डिवाइन की मदद के साथ। मैजिशियन का कार्ड आपने देखा है ना, जो टैरो ट्रेडिशनल टैरो है उसमें उस पर्सन का एक हाथ ऊपर है और एक हाथ नीचे है, राइट, कि कहने का मतलब वो डिवाइन की मदद से और अपने अपने बैलेंस की वजह से वो चीज़ों को 3D रियलिटी में, इस लाइफ में मैनिफेस्ट कर पा रहा है। तो वही चीज़ आपको भी करनी है, क्योंकि डिवाइन के साथ कनेक्शन तो ऐसे नहीं बैठेगा जब तक आप अपने अंदर बैलेंस नहीं लाओगे, और उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपका स्पिरिट जो है बैलेंस हो। जब हम इन तीनों को बैलेंस कर रहते हैं तब हमारा डिवाइन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है, ठीक है। मिरर के साथ काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा,
एफिमेशंस बोलना, मिरर में देख करके, मिरर में देख करके सेल्फ टॉक करना, मिरर में देख करके मैनिफेस्ट करना। ये टेक्निक भी आपको गूगल पर या फिर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, ठीक है? तो आप उस टेक्निक को भी अप्लाई कर सकते हैं। मे बी आप अपने फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करना चाहें, या फिर जो भी बेसिकली आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, फिजिकल रियलिटी में। यस, ये जो 15 दिन रहेंगे एक्वेरियस, एप्रिसिएशन का कार्ड है। आप लोगों में जो मैंने आपको बोला सन एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, अगेन ये देख रहे हैं, इस लेडी ने अपने हाथों में एक हार्ट को पकड़ा हुआ है, जो डिपिक्ट कर रहा है कि वो अपना हार्ट या तो किसी को देने जा रही है, जो आप इस चीज़ से सेंस कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैसेज मिल रहा है वो ये कि वो अपने हार्ट को फॉलो कर रही है, जो उसे चाहिए, जो बेसिकली जो उसके लिए सही है, जो उसका दिल चाहता है, वो उस चीज़ को फॉलो कर रही है, जिस वजह से कि उसकी लाइफ में वो ग्रोथ आ रही है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, उसे वो सक्सेस यहाँ पर मिल रही है। और लाइफ में वो जो भी कर रही है या कर रहा है, प्लीज़ मेरे ये रही एंड रहे पर मत जाइएगा, ये एनर्जी रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। उसमें उसको वो सफलता मिल रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो रहा है, और मुझे यहाँ पर विद दी एप्रिसिएशन आपके लुक में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी आप अपना कोई लुक चेंज कर रहे हैं, या फिर हेयर कट कोई कराना अच्छा सा, ठीक है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करना, मतलब कुछ ना कुछ एक बहुत ही ग्रेसफुल एनर्जीज में टैप इन करते हुए मुझे आप लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हो। तो बेसिकली जिसे हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर बैलेंस आ रहा है, और वो बैलेंस और वो पीस जो हम अंदर फील कर पा रहे हैं, वो हमारे जो फिजिकल फॉर्म है हमारी, फिजिकलिटी है हमारी, उसमें वो अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो मुझे बहुत ही एक ग्लोइंग स्किन, बहुत ही ब्यूटीफुल और हैंडसम यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है, कि जैसे कि बहुत निखार आना, एक चमक आना। जब हम डिवाइन के साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है ना, जब हम बहुत बैलेंस्ड होते हैं, तो वो ऊर्जा हमारे फेस पर, हमारी बॉडी पर झलकती है, खासकर हमारा फेस, हमारी स्किन, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वैसी ही एनर्जीज मिल रही है। तो माय डियर, ये जो 15 दिन है ना, आप अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो, और जो लोग नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ अपने दिल को फॉलो कीजिए, ठीक है। अपने हार्ट को ओपन कीजिए, जो आपको करना पसंद है इन 15 दिनों में वो कीजिए। आपको यहाँ पर डिवाइन यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं, एंड दिस सन एनर्जीज एक न्यू बिगनिंग, एक रिबर्थ, यहाँ पर कुछ तो बड़ा है, खासकर फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है, आपकी सोच हो सकती है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। आपके आपकी इंटरनली आप एक रिबर्थ हो रहा है आपका, बहुत चेंजेस आप देखोगे अपने अंदर, सोच में अपने चेंजेस आप देख सकते हो, चीज़ों को एक अलग नज़रिए से, एक हर प्रस्पेक्टिव से आप देख सकते हो, बहुत बदलाव। लेकिन ये जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना माय डियर एक्वेरियस, ये कुछ इस तरह का मैसेज नहीं है कि आप लोग बहुत ही एक रूड एनर्जीज में, एक होता है ना कि यस हम लोग बहुत एक मैं की एनर्जीज में आ जाते हैं, अहम की एनर्जीज में आ जाते हैं, वो एनर्जीज नहीं है। ये एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही प्यारा मैसेज है एक्वेरियस। जो लोग यहाँ पे कंसीव करना चाहते थे, आप लोग कंसीव कर रहे हैं इन 15 दिनों में, मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है जिससे कि आपकी स्किन और ग्लो कर रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। वाओ, लेट्स सी, मैं और देखना चाहती हूँ आपके लिए, थोड़ा और जाते हैं आगे। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए एक्वेरियस। कुंभ राशि, लव लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे इन 15 दिनों में कुंभ राशि वालों के लिए। ओके, ये है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। करियर कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए, 10 ऑफ पेंटिकल। ओके माय डियर, ओके,
हेल्थ कैसी रहेगी? फोर ऑफ सोर्ड्स, स्पिरिचुअलिटी, कुंभ राशि, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये जैसे ही ये दो कार्ड्स अपीयर हुए ना मेरे रीडिंग में, ओ माय गॉड, सी बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस, एग्जैक्टली मैं जो बोलने वाली थी, ठीक है, हर्मिट की भी एनर्जीज है। ये दोनों कार्ड्स मैं साथ में लेना चाहती हूँ। एक्चुअल में ये आपके लिए ना गाइडेंस है। ओके, यहाँ पर आप लोगों की यहाँ पर जो ऊर्जा आ रही है ना, वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। और यहाँ पर इतना बड़ा सा दिल दिखाना, जो मैंने आपको यहाँ पर बोला है कि प्लीज़ अगर आप नहीं भी कर रहे हो, जो लोग यहाँ पर अपने दिल को फॉलो नहीं कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला मैसेज ही यही था, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट को और अपनी इंट्यूशन को बैलेंस करके चलना है कि कहाँ मुझे प्रैक्टिकलिटी को अपनाना है अपनी लाइफ में और कहाँ मुझे मेरी इंट्यूशन को अपनाना है। बेसिकली देखिए, ये जो चैरियट का कार्ड है ना, ये बहुत ही एक बैलेंस्ड एनर्जीज है, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज की। यहाँ पर भी हम फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड्स भी मुझे वही एनर्जीज दे रहे हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज। तो बेसिकली आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जहाँ आपको मूवमेंट्स लेनी है, जहाँ आपको एक्शंस लेने हैं, जहाँ आपको अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, वहाँ आपको अपने मैस्कुलिन एनर्जीज को यूज़ करना है। और जहाँ आपको अपनी लाइफ में बेसिकली अपने, जिसे कहते हैं कि हम अपने परिवार के साथ, रिलेशनशिप्स में, या फिर डीप डाउन अगर हमें कोई डिसीजंस अपनी लाइफ में बनाने हैं, ओके, डिसीजंस चॉइसेस हमारी लाइफ में आ गए, हमें किस तरफ आगे बढ़ना है, या फिर हम किसी डिफ़िकल्ट पाथ पे चल रहे हैं, कोई डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड में हम स्टक्ड हैं, तो वहाँ आपको अपनी इंट्यूशन को, अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। ये एक डिवाइन एनर्जीज़ है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ को आपको यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दोनों का ना बैलेंस करने की बात यहाँ पर नज़र आ रही है। और मुझे यहाँ पर देख रहे हैं हर्मिट एंड हाई प्रिस्टेस, ये दोनों ही कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक्ड हैं, किसी भी सिचुएशन में स्टक्ड हो माय डियर, किसी भी डिफ़िकल्ट पाथ पर अगर आप चल रहे हो, या जो भी आप, अकेलापन हो सकता है आपका, या फिर जो भी चीज़ों को आप इस समय फेस कर रहे हो, उसका रास्ता आपको आपकी इंट्यूशन ही बताएगी, आपका खुद का इनर विजडम ही आपको वो बताएगा, आपका खुद का ज्ञान ही आपको आपका मार्गदर्शन करेगा। अगर वहाँ पर आप प्रैक्टिकलिटी को अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो फिर आपको रास्ता सही नहीं मिलेगा। ओके, तो ये जो 15 दिन है ना, आपको इस पर जम कर के काम करना है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डिसबैलेंस आपके फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज में दिख रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर्स बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये एनर्जीज मुझे ऐसी मिल रही है कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हो कि ये मेरा मन बोल रहा है, ये मेरा मेरे थॉट्स बोल रहे हैं, मेरा मन बोल रहा है, या फिर मेरी इंट्यूशन बोल रही है। दैट इज़ वाई आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लीज़ मेडिटेट कीजिए। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, चाहे वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप्स हैं आपके, आपके परिवार वालों के साथ, आपके माता पिता के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई भी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, ठीक है, इन 15 दिनों में, जिसे कहते हैं कि अपने अपने में रहना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे हो। यहाँ पर बहुत ही रिजर्व्ड एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, रिजर्व नेचर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी। बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करना, अपने अपने में रहना, और जितना काम है उतनी बातचीत करना, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो लोग यहाँ पर लव लाइफ में हैं, रिलेशनशिप्स में हैं, थोड़ी बहुत मुझे यहाँ पर आप लोगों में
मिसकम्युनिकेशन होना या फिर बहस होना, मुझे ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस वक्त को ना आपको ज़्यादा, इस वक्त में ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना है उस मोमेंट पे। दोनों ही 4-4 की एनर्जीज है। अपने रिश्ते को लेकर के थोड़ा सा आप इनस्टेबल फील कर सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है कि स्टेबिलिटी का अभाव होना, खासकर जो लोग यहाँ पे लवर्स हैं या फिर मैं कहूँगी जो रिलेशनशिप्स में हैं। ठीक है, जो मैरिड नहीं है आप लोगों का, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप हो सकता है। ब्रेकअप इन द सेंस, ब्रेकअप हो सकता है, नहीं हो सकता है आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, या फिर आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस में हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप लोगों की हीलिंग होनी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। खासकर मुझे ये सिचुएशन ऐसी लग रही है कि हो सकता है ये जो आप लोगों के, आप लोगों में जो डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है या फिर कम्युनिकेशन का डिस्टेंस जो मेंटेन हो रहा है या आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, जो भी ये मिसकम्युनिकेशन का सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कुछ आपके आसपास के लोग इन्वॉल्व हैं। आसपास के लोग वो खासकर आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। ठीक है, फैमिली मुझे यहाँ पर इंक्लूड होती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा रिश्ते में ना ओपन नहीं हो पा रहे हो, खुल नहीं पा रहे हो। तो वहाँ पर मुझे यहाँ पर हीलिंग की नीड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि प्लीज़ अपने आप को ओपन कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस वक्त में सबसे पहले तो अपने लिए समय निकाले, ठीक है, मेडिटेट कीजिए। यहाँ पर आपको डीप कंटेम्पलेट करने के लिए बोला जा रहा है। मैंने आपको यहाँ पर मैसेज दिया ना कि जो भी आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में डिसीज़न लेना है, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो, माय डियर, प्रैक्टिकल माइंडसेट कहाँ यूज़ करना है वो आपको देखना है, और किस चीज़ में आपको अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है कि मुझे उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, अभी मेरे लिए वो चीज़ सही है या नहीं, उसके लिए फॉलो योर इंट्यूशन। पहले तो चीज़ों को कंटेम्पलेट कीजिए कि वाकई में वो जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी, या वो पर्सन मेरे लिए ठीक है, या फिर ये जो भी है क्या मुझे अभी आगे बढ़ना चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आपके अंदर ही मिलेंगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। यस, विद दी हर्मिट एनर्जीज, हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज, कि कुछ लोगों के बीच में मुझे डिस्ट्रैक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये जो मिसकम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ, कोई थर्ड सिचुएशन इन्वॉल्व हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है आप लोगों के बीच में, जिस वजह से कि डिस्टेंस मेंटेन हुआ है आपकी लाइफ में। तो ये वक्त आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त में उस एनर्जीज को हील कीजिए। ठीक है, उन एनर्जीज़ को हील कीजिए माय डियर। अगर आपको लगता है जो लोग यहाँ पर सिर्फ एक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है कि वाकई में वो पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं, तो मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ये आपको अपने इंट्यूशन के बेसिस पर डिसीजंस बनाने हैं। और जो लोग यहाँ पर मैरिड कपल्स हैं माय डियर, तो प्लीज़ पहले अपने आप को हील करें, देन अपने आप को ओपन कीजिए। ओके, मे बी इस समय ना बहुत ज़्यादा आप लोग रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इन द सेंस मनी माइंडेड हो रहे हो, वर्क को लेकर के ज़्यादा सोच रहे हो, पैसों को लेकर के ज़्यादा सोच रहे हो, जिस वजह से कि इश्यूज़ आपके रिश्तों में यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे हर जगह ना यहाँ पर पैसा पैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पैसे को लेकर के ज़्यादा सोचना, पैसे को लेकर के अगर आप कनेक्ट हो रहे हो, पैसा आपकी लाइफ में बेसिकली इश्यू बन सकता है, आपके रिलेशनशिप को लेकर के भी। चाहे यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप्स में हैं या आप मैरिड हो माय डियर, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि पैसा एक इशू, फाइनेंसेस आपके इशू हो सकते हैं, या फिर आपका बिजनेस वर्क ये भी आपका इशू हो सकता है। ठीक है, पैसे को लेकर के थोड़ी यहाँ पर अनबन होना या फिर यस, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इवन जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी एक्वेरियस, मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा ना पॉजेसिव हो रहे हो किसी एक पर्सन को लेकर के। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा ना उस पर्सन को छोड़िए। ठीक है, इतना कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, थोड़ा ओपन छोड़िए। ठीक है,
बहुत ज़्यादा दबाव ना डालें, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे एनर्जीज, देखिए ये इशू ना जो भी आप लोगों के बीच में आ रहा है इसे रिजॉल्व करने की नीड है, लेकिन क्या है कि जो आप रिजॉल्व करना चाहते हो घर वालों की वजह से या फिर कुछ लोगों की वजह से या सिचुएशन की वजह से आप लोग वो कर नहीं पा रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ पर इन 15 दिनों में ये आ रही है। तो इस वक्त पर आपको यही बोला जा रहा है कि टेक योर टाइम माय डियर, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है, अपने हार्ट चक्रा को हील करो, वर्क करो अपने कम्युनिकेशन पे, वर्क करो अपने हार्ट चक्रा पर, ठीक है, टाइम लीजिए देन आगे बढ़िए। जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है, ये मैं ऑलवेज़ यहाँ पर बोलती हूँ, ठीक है। जो चीज़ें हो रही हैं ना उन्हें अभी होने दो, जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उन्हें अभी चलने दो, ठीक है। जल्दबाजी में या फिर पैनिक हो करके या फिर गुस्से में या फिर फ्रस्ट्रेशन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज में आकर के आपको या फिर बहुत डीमोटिवेट होकर के भी आपको अपनी लाइफ में इस मोमेंट पर कोई डिसीज़न नहीं बनाना है, क्योंकि अभी आप पूरी तरीके से हील्ड नहीं हो, अभी आप पूरी तरीके से ओपन ही नहीं हो, ठीक है। तो ये 15 दिन की एनर्जीज है, मैं कहूँगी कि इन पंद्रह दिनों में कोई बड़े बड़े डिसीजंस मत बना लेना, खासकर रिश्तों को लेकर के, ठीक है। तो यस, अब आगे बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर में यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं। देखिए करियर वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही अबंडेंट एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए फाइनेंसेस आपके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों की एनर्जीज पता क्या आ रही है एक्वेरियस की, फाइनेंसेस तो आपके स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जितने जितने आपके फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं ना उतने उतने आप कंजूस भी होते जा रहे हो, ठीक है। फाइनेंसेस को लेकर के अपने बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो फाइनेंसेस को लेकर के, और बहुत सोच सोच करके खर्च करना, ये बहुत एक अच्छी एनर्जीज है। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट वहाँ पर स्पेंड ज़रूर कीजिए, खासकर आपकी फैमिली हो सकती है, कि आपको जहाँ लगे कि मुझे मेरे अपनों को खुश करने की ज़रूरत है, अपनों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, या फिर किसी एटलीस्ट ज़रूरतमंद को हेल्प करने की ज़रूरत है, तो वहाँ अपने हार्ट को ओपन कीजिए। क्योंकि सबसे पहला तो ना मैसेज मुझे यहाँ पर एक्वेरियस, आपका हार्ट ही चक्रा ब्लॉक्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये वक्त रहेगा उसको हील करने का, ओके। ये अब क्या है कि देखिए यहाँ पर चैरियट विद चैरियट एनर्जीज, डिवाइन तो अपनी तरफ से वर्क कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको भी अपनी तरफ से काम करना है। तो ये वक्त लीजिए थोड़ा अपने आप को हील करने के लिए, अपने हार्ट को हील करने के लिए, अपने इमोशंस को हील करने के लिए, जो भी सिचुएशंस आपकी रही है ना उसको हील करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो भी क्वालिटीज़, जो भी आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, जो भी एक न्यू बिगनिंग होगी, जो भी एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होगा, जो एक रिबर्थ आपका होगा ना, वो आपकी हार्ट चक्रा के बेसिस पर है, कि जितना आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, जितना आप दिल को लेकर के, इंट्यूशंस को लेकर के आप अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाओगे, उतनी ही अबंडेंस को, उतनी ही ग्रोथ को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में भी मैं आप लोगों को ना बहुत ही एक कंट्रोलिंग और प्रैक्टिकल माइंडसेट में देख रही हूँ, कि आप लोग एक्शन ले भी रहे हो, और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि वो एनर्जीज होना कि मुझे इससे प्राप्त क्या होगा, आपका फोकस ज़्यादा इन चीज़ों पर है, चाहे आप हीलिंग कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, मेडिटेशंस आप कर रहे हो, कि मुझे इससे प्राप्त क्या होगा, आपका जो फोकस है ना वो प्राप्ति पर हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये बहुत एक डीप मैसेज है, लाइन है, इसे समझने की कोशिश करें कि आप मेडिटेशन अगर कर रहे हैं, हीलिंग अगर कर रहे हैं, तो सोच आपकी ये है कि मुझे प्राप्त क्या होगा, आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है नहीं, यहाँ पर आपको अपने आप को छोड़ देना है, कंट्रोल मत कीजिए इन चीज़ों को। जहाँ आप कंट्रोल करने की बात करते हो ना, वहाँ पर आपका माइंडसेट शुरू हो जाता है, आपके थॉट्स शुरू हो जाते हैं, प्रैक्टिकल माइंडसेट शुरू हो जाता है। लेकिन जहाँ आप चीज़ों को फ्लो में होने देते हो, जहाँ आपको पता है कि यस मुझे मैसेज मिल गया, मुझे मेरे हार्ट चक्रा को हील करना है, मुझे मेरे इमोशंस को हील करना है, मुझे मेरी इंट्यूशन को फॉलो करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, दैट्स इट,
तो बस आप उस फ्लो में बहते रहते हो, जहाँ आप चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हो। आई डोंट नो ये कितने लोगों को मैसेज समझ में आने लगा आएगा, जिसको भी आएगा प्लीज़ इसे ज़रूर लीजिएगा, इस पर काम ज़रूर कीजिएगा कि आपको पकड़ना नहीं है कुछ भी, राइट? पकड़ के नहीं चलना है, क्योंकि ये वक्त ना आपका मेडिटेशन का है, ये वक्त आपका आपका खुद पर काम करने का है, ये वक्त आपका अपने ऊपर समय बिताने का है। जितना आप अपने ऊपर समय बिताओगे, जितना आप अपने अंदर काम करोगे, अपने साथ काम करोगे, ठीक है, स्पिरिचुअली, उतना ही आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को देखोगे, ठीक है। फाइनेंसेस आपके स्टेबल हैं, करियर आपका स्टेबल है, कोई इशू नहीं है, बहुत मतलब ग्रोथ को आप अट्रैक्ट करोगे इस वक्त में। मुझे फैमिली सपोर्ट भी मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, खासकर मुझे यहाँ पर बिजनेस या खुद का कोई अगर आपका काम है, तो उसमें बहुत ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप एक स्टेबल पोजीशन पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, जिस वजह से कि आपके करियर को लेकर के आपके परिवार में खुशियाँ भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि यस, आप सेफ एंड सिक्योर फील कर रहे हो, आपके फैमिली सेफ एंड सिक्योर फील कर रही है। कोई नई बिजनेस डील भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो इन 15 दिनों में, कोई एक बहुत बड़ी डील जो आपको फाइनेंशियली मजबूत करे या और ग्रो करे, ऐसी कोई डील आप इन 15 दिनों में आपकी तरफ आ सकती है। ओके, यस, लेकिन यस, हेल्थ वाइज अगर बात की जाए, यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है, तो प्लीज अपने पर काम कीजिए माय डियर एक्वेरियस। आप लोग ऑलरेडी मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है, आप लोग कर भी रहे हो, लेकिन जो मैं थोड़ा आपको वो मैसेज दे रही हूँ ना कि मुझे प्राप्त क्या हो रहा है, तो वो एनर्जी से थोड़ा सा डिसकनेक्ट हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही इंटेंशंस डालो कि जो काम आप कर रहे हो, ऑब्वियस है इंटेंशंस के साथ चलेगी, बिना इंटेंशंस के कुछ काम नहीं करता है। इंटेंशंस पुट करो, लेकिन किसी चीज़ को पकड़ो मत, किसी आउटकम को पकड़ के मत बैठ जाओ, ठीक है। कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब होगा, हो गया हील, कितना होगा, ऐसी एनर्जीज नहीं, ओके? क्योंकि आप जो भी कर रहे हो ना, अगर आपने ईश्वर पर छोड़ दिया है, आपको उन पर ट्रस्ट है, ओके, तो वो सक्सेसफुल होगा ही होगा, वो प्राप्ति आपको होगी ही होगी, पर डिवाइन टाइमिंग पर ना, तो ट्रस्ट करो। ये जो डिवाइन टाइमिंग के नाम से कुछ लोग ना बहुत बिलख जाते हैं, कुछ लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं, और उनको ये नहीं पता कि ये जो डिवाइन टाइमिंग पर आप इतने इरिटेट हो जाते हो ना, यही तो आपका लेसन है, यही पेशेंस तो आपका लेसन है, कि जब आपको ये, जब आप अपने अंदर ये भाव ले आओगे ना कि यस, जब टाइमिंग आएगा, जब डिवाइन टाइम आएगा, तभी वो चीज़ होगी, तो बस आप समझे आपका समय शुरू हुआ। लेकिन जहाँ आप ये भाव ले आए कि कब आएगी भाई डिवाइन टाइम, हम तो सुनते ही रहते हैं डिवाइन टाइम, ये डिवाइन टाइमिंग का पता नहीं कब आएगी, तो फिर बस वो वेट ही करते रहते हैं, उनकी लाइफ में वो डिवाइन टाइमिंग आती ही नहीं, क्योंकि वो उस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। तो आपको इस वक्त में पीछे नहीं भागना है, क्योंकि भगा तो खुद डिवाइन ही रहे हैं। आप बस बैठ जाओ, आप बस करो अपना, जो अपने अंदर काम करो, फिजिकल रियलिटी में डिवाइन यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो भी कियोस हो रहा है, आपको अपने इंटरनली वर्क करना है। जितना आप इंटरनली वर्क करेंगे, अपने अंदर काम करेंगे, अपने शेडोज पर वर्क करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे, क्योंकि वहाँ क्या हो गया, वहाँ आपका मैजिशियन आ गया, ठीक है, जिसने कि अपने अंदर काम करा, अपने ऊपर काम करा, और साथ में डिवाइन की मदद के साथ अपनी रियलिटी क्रिएट करी, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करा। तो ये वही चीज़ आपको बोल रही है। आपको यहाँ पर ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि जितना आपके अंदर पीस होगा, उतनी ही आप अपनी लाइफ में चीज़ों को, ब्यूटीफुल चीज़ों को, न्यू बिगनिंग्स को, एक चेंज को, ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, उस विक्ट्री को अट्रैक्ट करोगे। वो सारा जिसे कहते हैं ना कि राज आपके पीस में है, इनर पीस में है। तभी यहाँ पर मुझे सबसे पहला जो आपके लिए मैसेज मिला था ना, वो इनर पीस मिला था। अगर आप सिर्फ कहने के लिए वर्क कर रहे हैं कि यस, मुझे तो मेरे पर काम करना है, मुझे मेरे पर काम करना है, मैं मेडिटेशंस कर रहा हूँ, मैं हीलिंग कर रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है? क्योंकि आपको जल्दी है उसे अचीव करने की, जल्दी है उसे पकड़ने की, लेकिन जहाँ आप एक शांत भाव में आ गए, समझिए जीत गए, जहाँ आपने सब सरेंडर कर दिया, वहाँ जीत गए, क्योंकि यही तो हासिल करना है अंत में हमें, ठीक है। वाह, ओके,
ये वो वाली बात हो गई कि अपनी नब्ज को बार बार चेक करना, चल रही है ना, चल रही है ना, ये काम कर रहा है ना, ये काम कर रहा है ना, लाइक वो वाली एनर्जीज है। तो अगर आप उस, क्योंकि ये एनर्जीज आई हैं, तो यस आप में से कुछ लोगों की भी ये एनर्जीज है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ तो प्लीज़ उस पर काम कीजिए, ठीक है। यहाँ पर यही मैसेज आपके लिए आ रहा है। ओ माय गॉड, देखिए बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पर और मैसेज है आपके लिए माय डियर। ग्रेजुअली धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, ओके। हर चीज़ को टाइम लगता है, मैंने बोला ना, वो आपके थॉट्स को चेंज कर रहे हैं। बस आपको अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखना है, आपको अपने विजडम से कनेक्ट होना है, क्योंकि गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है। अभी वो फिजिकल फॉर्म में आ सकती हैं, किसी भी माध्यम से आ सकती है, आपको इंटरनली आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, गाइडेंस दी जा रही है, लेकिन आप ग्रेजुअली वो ग्रोथ हो रही है, लेकिन आप हो ना पकड़ के बैठ रहे हो चीज़ों को, क्योंकि आपको तो निकाला जा रहा है ना सिचुएशन से, इस कियोस से, लेकिन पेशेंस चाहिए, पेशेंस, ये पेशेंस को ही दिखाता है, ठीक है, आपके अंदर के पेशेंस को दिखाता है कि पेशेंस रखो अपने अंदर। ये पर्सन भी अगर आप देख रहे हैं ना, ये स्पिरिचुअलिटी में आपका कार्ड निकला था, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कि इसने सब कुछ अचीव कर लिया और ये अब आंख बंद करके देख रहे हो कितने एक शांत भाव से ये पर्सन बैठा है। तो वही चीज़ है कि जो भी आपके और हासिल तो कर लिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा ये कार्ड देख करके कि बहुत कुछ यहाँ पर कियोस मचा हुआ है, मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि अगर ये इतना ही ब्यूटीफुल कार्ड है तो इसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें नेगेटिविटी ज़्यादा है, राइट। तो कहने का मतलब ये नेगेटिविटी क्या दिखा रहा है, हालांकि यहाँ पे ग्रेप्स बने हुए हैं, अबंडेंस है इसके पास, लेकिन मन की शांति नहीं है। तो आपको भी यही बोलना है कि बाहर मेरे जो भी चल रहा है वो डिवाइन देख रहे हैं, वो मुझे लेकर जा रहे हैं, मुझे बस अपने इनर पीस पर वर्क करना है। तो ये वक्त इनर पीस पर है और वही चीज़ आपके ऑरा में, आपकी फिजिकलिटी में भी दर्शाएगी जितना आप इस पर काम करोगे, क्योंकि ये एनर्जीज आने का मतलब यही है कि ये जो गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल रही है ना, आप मेरे प्यारे ब्यूटीफुल एक्वेरियस, हैंडसम एक्वेरियस, आप लोग उस पर काम करने वाले हो, ओके। इसलिए ये इतनी अच्छी एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। लेट्स सी, और देख लेते हैं आपके लिए भोले बाबा क्या मैसेज दे रहे हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को, इन 15 दिनों के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू शिव बाबा। लीजिए मैनिफेस्ट, अभी इसको मैं क्या बोलूँ, ओके आ गया ना मैजिशियन का कार्ड। बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जीज को माय डियर, बहुत ही विजडम के साथ आपको अपनी एनर्जीज को यूज़ करना है इन 15 दिनों में। इनर पीस पर काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में, फिजिकल रियलिटी में अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं, और उनकी मदद के साथ ही आप 3D रियलिटी में, माने इस लाइफ में, आप उन ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओगे, उन्हें मैनिफेस्ट कर पाओगे। एंड चूज योर बैटल, यस, ये आपको देखना है, आपको ऑप्शंस हैं आपके पास, चाहे तो आप चीज़ के पीछे पीछे भागो, चाहे तो आप इनर पीस में आओ, ऑप्शंस आपके पास हैं, अब चूज़ आपको करना है, चूज़ योर बैटल, आपको किस तरीके से लड़ना है, किस तरीके से सिचुएशन से, लड़ाई तो है, ठीक है, युद्ध तो है, आपको किस फॉर्म में लड़ना है, क्या आप अपने हाथ में लेना चाहते हो चीज़ों को, या फिर बैक सीट पर बैठना चाहते हो, ओके। थैंक यू सो मच भोले बाबा, थैंक यू, थैंक यू। रेस्ट एंड रिकंसिडर, मैंने एग्जैक्टली आपको यही मैसेज दिया भाई, बैठो, रेस्ट करो, मेडिटेट करो और सोचो अपनी लाइफ में कि मुझे मेरे लाइफ में क्या फॉलो करना है, मुझे अब किस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए मुझे कि मेरी लाइफ में वो कंप्लीशन आ पाए, ठीक है। मेडिटेशन, हीलिंग, फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर हार्ट, ये आपको बोला जा रहा है। लीजिए, इससे बड़ा और प्रूफ क्या दूँ आपको, ट्रस्ट,
ये एक न्यू जर्नी है आपकी जिस पर आप आगे बढ़ रहे हो, ये ट्रस्ट की जर्नी है, ये फेद की जर्नी है, ये डिवाइन की जर्नी है। आपको बोला जा रहा है बस इस पर आगे बढ़ जाओ, डिवाइन के भरोसे एक लीप ऑफ फेद लेना, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। वाओ, इसमें डाउट्स नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन्स नहीं है, इसमें ब्लेम्स नहीं है ना, बहुत प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं सोचना नहीं। जैसे बच्चा होता है ना कि उसको कुछ पसंद आया तो वो बस चल पड़ा उस तरफ, उसका उसके दिल ने बोला तो वो चल पड़ा, उसे नहीं पता आगे क्या है, उसे नहीं पता, एक अननोन जर्नी। वही आपको भी डिवाइन बोल रहे हैं कि निकल पड़ो अननोन जर्नी पर। ओके, तो यस माय डियर एक्वेरियस, होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ से गाइडेंस मिली हो, और मैं बोलना चाहूँगी जिन्हें भी एक बार में ये रीडिंग समझ नहीं आया, आप सेकंड टाइम प्लीज़ इसे ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही डीप मैसेज है। अगर आप उस पर उसको अगर आप समझ लेते हैं, उस गाइडेंस को, उस पर काम करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस देखोगे माय डियर, ठीक है। तो यस, अगर वीडियो कनेक्ट हुई है माय डियर आपसे, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको गाइडेंस मिली है यहाँ से, तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक्ड है, हो सकता है यहाँ पर उनके लिए कोई गाइडेंस है, कोई मैसेज है, तो उन तक ये गाइडेंस पहुँच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।